Hello viewers and welcome to Radio Dwarka. Investments, mutual fund investments excite करती हैं, हम सबको interest भी करती हैं. Mutual fund investments easy तो होती हैं, but mutual fund की scheme decide करना काफी difficult होता है. Mutual fund की scheme को अपने investment objective से match करना भी थोड़ा सा challenging होता है. और आज के time mutual fund की तो इतनी सारी schemes हैं कि कौन सी स्कीम में क्या है, क्या फीचर है, वो भी हमें नहीं पता चलता. इस वजह से आज हमें ये नहीं पहल शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बारे में बताएंगे, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, उसे कौन मैनेज करता है, वो कितना बड़ा फंड है, नया फंड है, पुराना फंड है, और बाकी सारी चीजों के बारे में. सो चलते हैं इसी डिस्कशन में. आज हम आपके लिए निपॉन इंडिया का एक ऐसा ही सेक्टोरल फंड लाए हैं, विच इज निपॉन इंडिया फार्मा फंड. सेक्टोरल फंड ये क्या होता है? सेक्टोरल फंड जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, वो एक सेक्टर से रिलेटेड होता है, उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. फार्मा कंपनीज या हेल्थ केयर कंपनीज का लास्ट 2-3 साल में आई एम श्योर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. करंट ग्लोबल कंडीशंस या पैंडेमिक कंडीशंस में इन कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. क्या आप जानते हैं कि निपॉन इंडिया फार्मा फंड एक नया फंड नहीं है, ये एक एनएफओ नहीं है, ये फंड 2004 से एग्जिस्ट करता था. जी, ये फंड 2004 में लॉन्च हुआ था एंड इस फंड ने इररिस्पेक्टिवली काफी अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है. इस फंड को हमेशा S&P BSE हेल्थ केयर TRI इंडेक्स से बेंचमार्क किया जाता है और इसकी बेंचमार्किंग इंडेक्स से परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है. अगर हम बात करें तो इसकी लास्ट 1 साल की CAGR परफॉर्मेंस रही है अराउंड 16%, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स की परफॉर्मेंस रही है 15%. 3 साल की बात करें तो अराउंड इस फंड ने 24% CAGR रिटर्न दिया है, जबकि BSE हेल्थ केयर इंडेक्स ने अराउंड 20% रिटर्न दिया. और अगर हम 2004 से बात करें तो इस फंड ने अराउंड 21% का कंसिस्टेंट रिटर्न दिया, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 15% का रिटर्न दिया है. सो आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस. इस फंड का फंड साइज ऑन 31st of March 2022 was 4,900 crores. इस फंड के फंड मैनेजर का नाम है शैलेश राजभान एंड शैलेश राजभान इस फंड को सिंस द डे ऑफ इंसेप्शन मैनेज कर रहे हैं. ये फंड का सेक्टर बाइफिकेशन इज बिटवीन फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड हेल्थ केयर सर्विस कंपनीज. और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये एक मल्टी कैप फंड है एंड इसकी इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप एंड मिड कैप सेगमेंट वाले शेयर्स में होती है. और अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये 97% इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में करता है एंड अप्रोक्स 3% इन कैश एंड अदर रिसीवेबल्स करता है. ये फंड क्योंकि एक इक्विटी बेस्ड फंड है, इसी वजह से ये एक हाई रिस्क फंड है. अगर हम इसके टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो ये सारे नाम आपने सुने हुए होंगे, जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स, सिप्ला लिमिटेड, लूपिन लिमिटेड, टोरेंट फार्मा एंड डिवी लेबोरेटरी. और जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये एक एनएफओ नहीं है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको आज की एनएवी या द डे ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली डेट की एनएवी पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है और एग्जिट लोड सिर्फ 1% का है अगर आप 1 month से पहले इसमें से पुट करते हैं. ये थी एक क्विक समरी एंड फीचर्स ऑफ द निपॉन इंडिया फार्मा फंड. आपको ये सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे होता है. वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आप डिफाइन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एंड जैसे हम कहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके फाइनलाइज कर सकते हैं. हम आपके लिए ऐसे फंड्स के बारे में डिटेल्स लाते रहेंगे इन फ्यूचर एंड वी विल वांट यू टू काइंड ऑफ स्टे कनेक्टेड विद रेडियो द्वारका. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं. निवेश से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.